तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के अगले एपिसोड के बारे में। फिलिप और कैरल के सड़क पर टकराने के बाद फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है और वो उनकी ओर दौड़ती है, किसी को चोट नहीं लगी यह सुनिश्चित करती है। और अब जब फिलिप कैरल से शादी करके खुश था तो वह उस खूबसूरत लड़की के साथ रहने के लिए उसे मन ही मन तलाक देने का इरादा रखता है। यह पता चला है कि उसका नाम मेलिसा है और उसने अलाइव इन टक्सन चिन्ह देखा था, लेकिन वह इधर उधर गाड़ी चला रही थी क्योंकि उस चिन्ह के साथ कोई पता नहीं लिखा था। फिलिप ने अपने इस बात पर अपना पता न लिखने का पछतावा जताता है। घर पहुंचने पर फिलिप मेलिसा को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे वो शौचालय पूल और फिलिप के जीवन में आने से पहले जिस कूड़े के घर में रहता था जैसी उसकी गंदी आदतों के बारे में वह बताने लगती है। फिलिप मेलिसा को अपने घर पर रहने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह सड़क के उस बगल वाले घर में ठीक है। जब खुशी से कैरल और मेलिसा गले लगती है तो फिलिप भी कहाँ रहने वाला था, पर इस बात से मेलिसा को काफी अजीब लगता है। बाद में दोनों रसोई में बातचीत कर रही होती हैं। तब फिलिप अपने नए लुक के साथ आता है और उसने मेलिसा के लिए ऐसा किया, लेकिन रात में वे एक साथ डिनर करते हैं और पूरे समय फिलिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह जो कुछ भी कहती है उससे वो सहमत होता है, यह दिखाने के लिए कि वे समान रुचियों को पसंद करते हैं। जब मेलिसा ने बताया कि उसके पति को उसने किसी और के साथ देखा इसलिए वो अलग हो गए थे, तब मिलर यह बताने की कोशिश करता है कि वह ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है। हालांकि जाते समय कैरल उसे रात में मानव जाति को बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन फिलिप यह समझाकर उसे भगा देता है कि उसकी हालत खराब है। उस रात बाद में मेलिसा फिलिप के कमरे में आती है और उसे शॉवर में आने के लिए कहती है। बेसब्री से उसका पीछा करता है, लेकिन कैरल को उसका इंतजार करते हुए पाता है और अचानक वह सपने से जाग उठता है। अगली सुबह मेलिसा ने उसका दरवाजा खटखटाया और पाया कि वो वर्कआउट कर रहा है, जबकि वह उसे दिखाने के लिए करता है कि वह एक फीट मस्कुलर आदमी है, लेकिन मेलिसा को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह उससे उसके घर के बाहर कार के बारे में पूछने आई है। यह पता चला है कि वह उसे उसके लिए लाया था क्योंकि उसे उसके लिमो में घुसने के बारे में बुरा लगा था, पर कैरल मेलिसा पर एहसान करने से खुश नहीं है जब उसने उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया है जिसने उसे तोड़ दिया था। उस दिन बाद में वह इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन साबित करता है कि वह एक खराब काम करने वाला इंसान है। मेलिसा उसे और कैरल को ड्रिंक्स के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप कैरल के बीमार होने के बारे में झूठ बोलता है और अकेला चला जाता है। जैसे ही मेलिसा नशे में हो जाती है वह बताती है कि अगर वह शादीशुदा नहीं होता तो वह उसके साथ रहने वाली थी, लेकिन उसका जहाज बहुत पहले रवाना हो चुका था। फिलिप सदमे में है क्योंकि वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें वह सुनना चाहता था। वह तुरंत कैरल के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन पाता है कि वह उनका मैरिज फोटो बना रही है और वह उसे दरवाजा ठीक करने के लिए भी धन्यवाद देती है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। उसके बाद फिलिप तलाक के लिए पूछने के लिए खुद से उसका मन नहीं होता। अगले सीन में हम अलाइव इन टक्सन चिन्ह के सामने एक स्पोर्ट्स कार को रुकते हुए देखते हैं। एक आदमी कार से बाहर निकलता है जिससे पता चलता है कि कोई और भी है जो अभी जिंदा है। वो आदमी जो दूसरे इंसान को खोजने के लिए बेचैन है टक्सन की तरफ बढ़ने लगा है। घर पर वापस फिलिप कैरल और मेलिसा बातें कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। कैरल मेलिसा को उसके और फिलिप की शादी के बारे में सब कुछ बताती है, जबकि फिलिप यह नहीं चाहता कि मेलिसा को लगे कि वो कैरल से प्यार करता है। जब उसे अकेले उससे बात करने का मौका मिलता है तो वह कल का विषय लाता है। मेलिसा शर्मिंदा है कि उसने उसे अपनी यौन इच्छाओं के बारे में बताया और शराब पर इसका आरोप लगाया, पर फिलिप उसे बताता है कि उसे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि वह उसके जैसे विवाहित व्यक्ति के साथ कभी नहीं सोएगी। तब फिलिप का चेहरा गिर जाता है क्योंकि वह अपनी शादी के कारण फिर से उसके साथ रहने का मौका चूक जाता है। अगले दिन वह एक योजना के बारे में सोचता है और उसे अपने बॉय फ्रेंड्स को बताने लगता है कि यदि वो केवल कैरल को गर्भवती करता है तो उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ पृथ्वी को फिर से भरना होगा, जबकि यह एक चुपंती है, लेकिन अगर उसके दो महिलाओं के साथ बच्चे हैं तो यह संभावना खत्म हो जाती है। अब केवल फिलिप को अपनी योजना कैरल और मेलिसा को बतानी है। अगले सीन में वो मेलिसा के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो पृथ्वी और मानव जीवन के लिए कुछ बड़ा चाहती है। जब वह एक हाथ को चुनती है तो वह इसे एक इशारे के रूप में लेता है कि वह पृथ्वी की भलाई के लिए उसके साथ सोएगी। फिर वह कैरल के पास जाता है और किसी ऐसी बात के लिए रोने का नाटक करता है जिसके बारे में वह बहुत चिंतित है। जब वह उससे पूछती है कि यह क्या है तो वह उसे अपने बच्चों के एक दूसरे के साथ फिर से बसने की संभावना के बारे में बताता है, पर कैरल ऐसा कुछ होने के विचार से नफरत करती है और फिलिप इस अवसर को उसके और मेलिसा के बच्चे होने के विचार पर बात करता है, लेकिन कैरल इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन वह उसे इस पर उसे विचार करने के लिए कहता है। वह यह भी दिखावा करता है कि वह किसी अन्य लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह पृथ्वी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब कैरल को फिलिप से पता चलता है कि मेलिसा ने उससे कहा है कि अगर वह शादीशुदा नहीं है तो वह उसके साथ सोएगी, तो वह गुस्से में फिलिप को घर से बाहर निकाल देती है। और बाद में मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी पत्नी से क्या बकवास की। वह भी उसका अपमान करती है और गुस्से में चली जाती है। जबकि अब 3 घंटे बाद महिलाओं ने उसे अंदर आने के लिए कहा
और अब फिलिप को लगता है कि उसे जल्द ही दोनों की माफ़ी मांगनी चाहिए, पर कैरल उसे मेलिसा के साथ रहने और वह सब करने की अनुमति देती है। शुरू में फिलिप ने माना कि वे एक चाल चल रहे हैं, लेकिन मेलिसा से भी पता चला कि वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करने की जरूरत होगी। साथ ही मेलिसा के गर्भवती होने के ठीक बाद यह गंदी बात सीजन 10 रुक जाएगी। फिलिप अब न चाहते हुए सहमत होने का दिखावा करता है, लेकिन रूम में जाता है और एक तकिए में खुशी के आंसू नाक से लाता है। अगले दिन वह दिन होता है जब वे आखिरकार एक साथ आने वाले हैं। फिलिप अच्छे कपड़े पहनता है, कैरल उसे शक्ति के लिए मूंगफली देती है और जितनी जल्दी हो सके घर वापस आने के लिए कहती है। कुछ समय बाद वह मेलिसा को रोमांटिक डेट पर बाहर लाता है। वह इसे खास बनाना चाहता है, जबकि मेलिसा सिर्फ काम पूरा करना चाहती है और उसे वापस उसकी पत्नी के पास भेजना चाहती है, जबकि फिलिप ने उसके लिए एक आतिशबाजी का प्रदर्शन भी बनाया है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है, और स्पोर्ट्स कार का आदमी यह देखता है और रोशनी की तलाश में अपनी कार को घुमाता है। जब फिलिप और मेलिसा मिलने ही वाले होते हैं तो उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है। फिलिप सोचता है कि यह कैरल है, लेकिन जब वह आदमी कार से बाहर निकलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं और वह टॉड के रूप में अपना नाम बताता है। उसने सड़क पर फिलिप के चिन्ह को देखने से पहले वह मेक्सिको जाने की योजना बना रहा था, पर उससे फिलिप बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह टॉड को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कुछ काम है। लेकिन अब एक और आदमी यहाँ है तो मेलिसा उसे मिलने और कैरल को मिलवाने के लिए ले जाती है। अगले सीन में फिलिप घर लौटता है और कैरल को बताता है कि क्या हुआ, पर अब वह काफी खुश हैं क्योंकि उसे उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि फिलिप टॉड के शरीर के बारे में बताता है और जोर देकर कहता है कि मेलिसा उसके साथ नहीं रहेगी। बाद में वे बाहर इकट्ठा होते और हर कोई अपनी कहानी बताता है। बातों के दरमियान टॉड ने बताया कि उनकी पसंदीदा फिल्म शशांक रिडेम्पशन है, जो मेलिसा की पसंदीदा भी होती है। उनके बातचीत में बात करने के लिए फिलिप ने टॉम हैंक्स के बारे में भी कहा, जबकि वह बताते हैं वह तो फिल्म में भी नहीं है। टॉड ने सभी का ध्यान आकर्षित करते देखकर फिलिप अपने वजन के बारे में खुद का मजाक करता है, जबकि टॉड को अपने शरीर से कोई नाराजगी नहीं है। उसने सबको बताया कि जब वह छोटा था तब उसके माता पिता के निधन के बाद उसने अधिक खाना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने पूरे जीवन में तंग किया गया है और अब एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां हर कोई उनका मजाक बनाता है। थोड़ी देर बाद मेलिसा और टॉड दोनों रात को आराम करने के लिए निकल जाते हैं और अब कैरल फिलिप को बताती है कि उसने दोनों के बीच लगी चिंगारी को महसूस किया है। तब वह फिलिप को सताने के लिए यह भी बताती है कि वह उनको मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन वह उन चारों के लिए एक डेट तय करती है। इस तरह टॉड और मेलिसा एक साथ दिन का आनंद ले सकते हैं। वह उन्हें अपने घर पर बुलाती है और उल्टी करने का नाटक करती है, और वह फिलिप से घर के आसपास मदद करने के लिए उसके साथ रहने का भी आग्रह करती है, जिसके बाद मेलिसा और टॉड को खुद के लिए दिन मिलता है और वे गो कार्ट की सवारी करते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं, पर फिलिप पूरे समय उन पर जासूसी करता है। उस दिन बाद में वह घर लौटता है जबकि वह बताती है कि मेलिसा और टॉड दूसरी डेट पर जा रहे हैं, पर फिलिप उन्हें फिर से एक साथ अकेले रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए वह उनकी डेट को दोहरी डेट में बदल देता है और वे चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं, जहां फिलिप अपनी टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। उसे उम्मीद है कि वह शर्मिंदा होगा, लेकिन टॉड बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टी शर्ट उतरता है। तब अचानक मेलिसा उसके शरीर पर बात करती है। फिलिप खुश है कि उसे टॉड का शरीर पसंद नहीं है, लेकिन यह पता चला है कि वह उसके पेट के किनारे पर एक निशान देख रही है। तब टॉड ने बताया कि जब वह छोटा था तब उसने अपने भाई को अपनी किडनी दान कर दी थी। तब कैरल और मेलिसा उसके लिए बुरा महसूस करती हैं और उसकी बातें सुनने लगती हैं, पर फिलिप उनका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे टॉड की बात सुनना पसंद करते। यह पता चला है कि उसने किडनी दान किए पर भी वह ट्रांसप्लांट के बाद बच नहीं पाया, और इस घटना के बारे में बात करने से टॉड का मूड खराब हो जाता है और वह रोते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरल और फिलिप उसकी तलाश में जाते हैं और उसे और मेलिसा को एक दूसरे को चूमते हुए पाते हैं। कैरल सोच रही है कि उसने ने टॉड को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा क्योंकि वह जानता था कि ट्रांसप्लांट की कहानी मेलिसा के साथ रिलेशन के लिए किक स्टार्ट करेगी। फिलिप जबकि कैरल के अनुमान की तारीफ करता है, लेकिन अंदर से दोनों को देखकर ईर्ष्या से जल रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड रोक दिया है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।